ऐसे बहुत से राज हैं जो कभी पता ही नहीं चल पाते हैं। मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूं जहां तुम सब भी हो पर तुम्हें हमारा एहसास भी नहीं होता। ये है एनिमल पैराडाइज। हर 3 साल में 99 प्राणी चुने जाते हैं और उन्हें इस दुनिया में लाया जाता है। यहाँ इंसानों की तरह धोखा नहीं होता। यहाँ कोई भी प्राणी कितना भी बड़ा या छोटा हो, हम एक दूसरे को कभी चोट नहीं पहुंचाते और हम अपने राज्य की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जन्नत न होने की वजह से राक्षस हर बार जन्म लेते हैं। पर ये हैंडसम प्राणी जो हमें हर बार बचाता है, वो हमारे कबीले का चीफ है। वो हम सब लोगों को बचाता है। हमारा चीफ सच में ऑसम है। हे, क्या मैं चीफ को गले लगा सकता हूँ? जरूर, पर उससे पहले नहा लेना। शांत रहो चीफ, जल्द ही तुम लोगों पे कबीले का स्टाम्प लगाएंगे और इस मार्क से तुम हमारे कबीले के मेंबर हो जाओगे। मास्टर, आप ये सब मुझे कब सिखाएंगे? जब तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा और तुम हल्के हो जाओगे। पर मैं तो बिल्कुल भी भारी नहीं हूँ। सब लोग सुनो, अब स्टैंपिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। सब लोग चीफ का स्वागत करते हैं। क्या ये चीफ है? ये तो बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा बिल्कुल उस दीवार पर था। ये तो कोई अलग ही है। वेलकम टू एनिमल पैराडाइज, और मैं हूँ चीफ लाला। लाला, ये तो वो हैंडसम प्राणी नहीं है। फैमिली है, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बाएं हाथ को ऐसे स्ट्रेच कीजिए। अब मैं आप सबको हमारे कबीले का मार्क दूंगा। मुझे कबीले का मार्क मिल गया। हम सब इस कबीले के हिस्सा मास्टर फॉक्स, क्या आपने मुझे बुलाया? ये देखो चीफ, हमारे लोगों को ये नदी के किनारे मिला। ये तो मास्क है। हाँ, वो वापस आ रहे हैं।
हमारे कबीले के इतिहास के अनुसार वो सबसे दर्दनाक वक्त था। अनाज और जमीन की लड़ाई की वजह से कबीला लड़ते ही जा रहा था कुछ दूर कबीले से और उस राक्षस के साथ। आखिर में हम यहाँ रह गए। उन्होंने एनिमल पैराडाइज छोड़ दिया। ये सब होने के बाद आज तक उनके बारे में किसी ने नहीं सुना। द ओनर्स ऑफ द मार्क्स सबसे शक्तिशाली कबीला हुआ करता था। और अब वो यहाँ वापस आ रहे हैं? हाँ, जिस वजह से लड़ाई फिर से शुरू होगी। हमें इस मुसीबत को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। चीफ, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी तरकीब है? पहले हम उनके पास जाते हैं, शायद इससे हम होने वाली लड़ाई रोक सकते हैं। मास्टर, हाँ? क्या मैं युगो को मदद के लिए बुला सकता हूँ? वो? हाँ? मास्टर फॉक्स, मुझे माफ कीजिए। चलो क्रैब पकड़ते हैं। क्रैब मॉन्स्टर से बच के रहना। आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रही हूँ। आज मेरे घर आना युगो। आज मैं प्रिंसेस बनूंगी। शायद अगली बार मैं प्रिंस बनूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वाओ, टिकट टू हैप्पी वैली। देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया। हाँ, पर हमें कल जल्दी ट्रेन पकड़नी है, पैकिंग कर लेनी चाहिए। चलो शेर सिंह। क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी
हैप्पी बर्थडे। मैंने ये सब खाना आपके लिए बनाया है। मैं तो भूल ही गया था, थैंक्स स्वीटी। कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो अब खा लो। वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। यूगो, क्या हुआ? मेरे पीछे तो आओ। ये रात में कहाँ जा रही हो? मैं आपको एनिमल पैराडाइज लेके जा रही हूँ। नींद में चल रही है? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब जल्दी चलो, वो लोग पहाड़ पर वेट कर रहे हैं। अगर मैंने इसे ऐसी हालत में जगा दिया तो पागल हो जाएगी। जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। स्वीटी मेरी बात सुनो, तुम नींद में चल रही हो, प्लीज डैड के साथ वापस चलो, बिस्तर पर जाकर सो जाओ। क्या पापा, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? आपको ले जाना गलत पर साबित कर देना। ठीक है ठीक है, चलो घर चले। ठीक है, नहीं भगवान, मैं सपने में हूँ शायद। यूगो, लाला, भालू चाचा, तुम लोग वाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यूगो, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखना तुम वर्नगल योगो के दोस्त हो, जो तुम्हारा काम है वो मेरा काम है। लाला, अंकल, भालू, छोड़ो ये सब तो वैसे भी सपना है। मैं तो बहुत ही हल्का लग रहा है। वो कौन है? ये सपना तो मजेदार है। जानवरों की दुनिया, काला भालू यानी कि डरपोक भालू, ये उत्तरी जंगलों में रहता है। इनकी आंखें कमजोर होने के कारण लोग इन्हें अंधा भालू भी कहते हैं। अंधा किसे कहा? वो मजाक कर रहे हैं, वो मेरे पापा हैं शेर सिंह, वो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। योगो के पापा? ओह, तो ये शेर सिंह है। मुझे इन्हें घर पे अकेले छोड़ना बुरा लगा तो मैंने साथ ले आई। चीफ, क्या योगो उसकी फैमिली भी ला सकती है? ये क्या है, ये तो बढ़िया लग रहा है। पापा आप लाला को चोट पहुंचा रहे हैं। योगो, क्या तुम्हारे पापा सिगरेट रख सकते हैं? और वैसे भी वो सोच रहे हैं वो सपने में हैं। और हाँ, मेरी डैड कुंग फू फाइटर है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। नदी पूर्व की तरफ जा रही है, सितारे भी सही हैं। वो तो एक इंसान है, बिना ट्रैवल मार्क के वो जानवर में बदल जाएगा। योगो, मुझे वो मैजिक फ्लोट दो, मुझे पता है क्या करना है। चलो, मास्टर फॉल्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम जाकर मास्क के मालिक को ढूंढेंगे। पापा, हमारे साथ आइए। कहाँ जा रही हो तुम? मैं भी आऊँगा। जानवर नहीं बनेंगे ना? मैजिक फ्लूट को ऐसे सिर पर बांधने से इंसान इंसान ही रह जाता है, ऐसा चीफ के हैंडबुक में लिखा है। देखो कितने फनी दिख रहे हो।
बस सपना नहीं है? नहीं, अब ये बड़ी सी वेल के पेट दिखा। बड़ी वेल? कूल है ना? ओ हाँ, मैं आपकी पहचान कराती हूँ, लाला, और ये है भालू जाजा। हाय। आपसे मिलकर खुशी हुई। पास बताना, दूर रहो। क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे दोस्त हैं। ये योगा, लगता है इन्होंने तुम्हें वश में कर लिया है। तुम डरना मत, डैड तुम्हारे साथ है। वो कोई राक्षस नहीं है, वो बस जानवर है। नहीं जानती, बोलने वाले जानवर राक्षस ही होते हैं। ओह, तो तुम हमें समझ पा रहे हो, मतलब हम बात कर सकते हैं। ये बात ही खतरनाक है। डरिए मत। छोड़िए मुझे पापा, वो सच में मेरे दोस्त हैं, मत डरिए। मेरी बेटी को भगवान नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ये राक्षस क्या चीज है? भालू चाचा, लाला। नरसिंह, रुको। पापा, यहाँ से निकलने का रास्ता तो होगा। पर जरूर कोई साया है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। जाओ तुम, मैं नहीं डरता। हे भगवान, युगल के डैड तो बिल्कुल पागल है। अरे, बाहर निकलने का रास्ता। ये बेल का बम है, हमें वहाँ से नहीं जाना चाहिए। कितने क्यूट है तुम, कौन हो? हे, हमें अभी के अभी घर ले जाओ। आप उसे डरा दोगे। मैं समझ गया, ये सब उसकी चाल है। नहीं, छोटी बेल को हाथ मत लगाना। राक्षस भालू? पापा, अंकल शेर, हम सच में राक्षस नहीं है। दादा, भालू चाचा, आप मेरे डैड की बात का पूरा मत मानना। क्या तुम्हें राक्षस नहीं दिख रहे? ए छोटे राक्षस, तुम भी दूर रहो, वरना आगे जो होगा वो भी। पागल इंसान, एक तो मुसीबत में फंसा दिया और अब माफी भी नहीं मांग रहे। आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। कब तक आप ऐसी मुसीबतें खड़ी करेंगे? हमने एक भालू की शहजादी को भगा दिया और ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, राक्षस नहीं। म
मास्टर फॉक्स ने मास्क वाले कबीले के बारे में क्या कहा? कैसे दिखते हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है वो बेहद डरावने दिखते होंगे। उनकी आंखें सांप जैसी बड़ी होंगी। ऐसा बड़ा मुंह होगा और चाकू से भी तेज धार वाले दांत। रुको, मैंने कहा ना कुछ भी मत खाया करो। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। क्या हुआ तुम्हें? घबराना मत, डैड पानी लाए हैं। गिलास खा गया। बुद्धू लड़की, इसे पीना नहीं है, कुल्ला करके बाहर निकालो। देखो यहाँ क्या है। तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा क्या? मेरे लिए रुको। युगो, भागना बंद करो। ये तो टेंपल माउंटेन है। युगो, बालू चाचा, हमें रास्ता मिल गया। मैं वापस आ गई। ये जरूर मेरी आंखों का खेल है। ये सर पे क्या है मेरे? तो ऐसी बात है, तुम मुझे वश में नहीं कर सकता है। अंतर शेर, उस फ्लूट का बंद निकालिए। छोटे राक्षस, तुम मुझे नहीं फंसा सकते। ये सब दिमाग का खेल है। क्या ये क्या हो रहा है? ये मेरे ऊपर पंख कहाँ से लगा है? क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे सांस लेने में तकलीफ आ रही है। इसे इस जगह में कभी नहीं उतारना। लाला, तुम्हारा शुक्रिया। दूर रहो मुझसे, राक्षस कहीं का। पापा, आप लाला को डरा रहे हैं। राक्षस नहीं हूँ। ये इंसान पागल है। लाला, तुम इस पे ध्यान मत दो। आप करना क्या चाहते हैं? ये एनिमल पैराडाइज है। जब कोई यहाँ पर इंसान आता है तो वो जानवर बन जाता है। तुम अभी के अभी घर चलो। अपने बादलों की शहजादी को भगा दिया, अब हम जाकर भी नहीं जा सकते। क्या करें? लाला यहाँ का चीफ है, वो ही मदद कर सकता है। बच्ची, इन लोगों ने तुम पर क्या किया? मैं इस कबीले के इकलौते इंसान हूँ, लाला और मास्टर फॉक्स की स्पेशल परमिशन से। तुम ऐसी उटपटांग चीजें क्यों बनाती हो? मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ युगो, पर इन दोनों पर नहीं। ये दोनों तो फिर भी मैं बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं सब पर भरोसा करता हूँ। मेरी बेटी के दोस्त मेरे दोस्त। आप सही कह रहे हैं शेर सिंह। सावधान। तो अब से आप हो हमारे चीफ के सिक्योरिटी गार्ड के खास आदमी। आज से आपका मिशन है मेरे साथ लड़ना और चीफ की रक्षा करना और दुश्मन को ढूंढना। यस मैडम। बहुत बढ़िया। लाला, शेर सिंह से बच के रहना, वो हम पे भरोसा नहीं करता। पर अंकल शेर, वो बस दिखावा कर रहा है। लाला, भालू चाचा, अब से मेरे पापा हमारे साथ है। भालू चाचा कह रहे हैं। क्या बात है, ये तो बढ़िया बात हो गई। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। टेंपल माउंटेन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हम पहुंच गए, वहाँ देखो। भालू चाचा, वो अभी भी दूर क्यों लग रहा है? तुम्हें कंधे भालू पर विश्वास कर रही हो? वहाँ पहुंचने पर तो आधा महीना लग जाएगा। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी बेवकूफी से क्लाउड व्हील को भगाया। क्या कहा तुमने मुझे? मैं कंधे भालू से नहीं लड़ूंगा। अगर फिर से अंधा कहा तो मैं तुम्हें ब्लेड में बदल दूंगा। उससे पहले मेरे फौलादी हाथों से लड़ना होगा। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? इससे पहले शुरू किया। मेरी माँ कहती थी इंसानों से लड़ना पत्थर पे सर पटकना। ये खौफनाक है, जानवर भी राक्षस बन सकते हैं। स्वीटी, स्वीटी। मुझे क्या पता? वो युगो से मिलने गए थे ना? पता नहीं। फिर बादलों की शहजादी अकेले वापस कैसे आ गई? मास्टर फॉक्स, मैं लोगों को भेजती हूँ चीफ को ढूंढने के लिए। नहीं, मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ होगा। अच्छा हो या बुरा,
इतनी जल्दी जजमेंट नहीं करनी चाहिए। किसी भी गड़बड़ के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। मुझे विश्वास है कि चीफ वो हैंडल कर ही लेंगे। मेरे पास सब जुगाड़ है, पर गरम पानी का है। शेर सिंह कभी हार नहीं मानता। ऐसा करने से क्या होगा? तुम बस देख ही जाओ। देखा पापा, भालू चाचा कितने कूल है। भालू से ज्यादा दिमाग बड़ा है। पानी बल रहा है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? कैसे लोग सो जाएंगे, हम लोग भाग जाएंगे। नूडल तैयार हो गए, आ जाओ। इससे अच्छा है हम अपना खाना खाते हैं। वो क्या है? पत्थर का खाना। इंस्टेंट नूडल के लिए हमें पानी लगता है। देखा मेरी बेटी, यही अंतर है इंसानों और जानवरों में। यही वजह है हमारे बेहतर होने की। इसे खाओ। ये तो बहुत अच्छा है। मेरा बैग। ये पेड़ इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? क्या बस सो रहे थे? बहुत मजा आ रहा है। ये बात नहीं है, रास्ता बंद हो चुका है। Uh-huh.
मेरी बच्ची, मेरा बैग खो गया, चलो घर चलते हैं, ये जगह भूतों से भरी है। अंकल शेर, क्या आपको पता है क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता होगा, छोटे राक्षस, तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है? युगो, मुझे पता था तुम मिल जाने। से भरी है, हमें घर जाना चाहिए। लैला को प्रॉमिस किया है कि उस कबीले को ढूंढने में मदद करूंगी। मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे जाने दो। युगो, युगो, अंकल शेर, I'm sorry, मैंने ही युगो को बुलाया, आप उस पर गुस्सा मत कीजिए, ठीक है? ये जो तुम्हारी चालाकी है, कभी ना कभी जरूर खत्म होगी। प्लीज ऐसा मत कहिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अंकल शेर, जब हम टेंपल पहुँच जाएंगे तब मैं मास्टर से कह के आपको घर भिजवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू लाला, मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे समझ सकते हो। ये तो बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छी है, और वो बहुत बहादुर है, उसने मुझे और इस दुनिया को भी बचाया है। दुनिया को? युगो दुनिया की सुपर हीरो। युगो, वहाँ खतरा है, दूर रहो। युगो, जरा ध्यान से। आया बेवकूफ, कहीं क्या मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? बातें बंद करो, नीचे लेट जाओ। अरे बस नीचे मत देखना। युगो संभल के। मास्क वाला रकुन, ये
जाओ। ए मास, क्या तुम उसी कबीले से हो? मेरा बैग, चोर कहीं के? बहुत हुआ। निकल जाओ। कभी भालू के पंजे से मार खाई है? अगर नहीं खाई तो कुछ और ट्राई करो। निकल जाओ। लोगों तो मिलने मत। लाला आराम से, नदी के पास लौट जाओ। ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल वैसे ही आराम से। निकल के भी हम चले ही जाएंगे, मुझे मेरे पंजे से बहुत प्यार है। कूद कर वापस तैरे। जल्दी उठिए,
हमें खाने की सोच रहे हैं। क्या वो मुझे भी खा जाएंगे? वो कह रहे थे कि तुम तीनों काफी डिलीशियस हो और तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे और उनमें से कोई एक हमें जल्दी मारने के लिए आने वाला है। अब हम क्या करेंगे? मुझे दो। मुझे चाहिए। कौन हो तुम? मेरा नाम लाला है और मैं जानवरों के कबीले का चीफ हूँ। इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा किसने कहा? मैं युगो द बडगल हूँ। ये मेरी बेटी है। निकल जाओ। जरा इसको तो देखो, कितनी नकचड़ी है ये। ऐसा लग रहा है दीवार से बात कर रहे हैं। बहुत बदतमीज है। हमने तुम्हारे पूर्वजों को हराया है और जब लड़ाई होगी तो तुम लोग भी भुगतोगे। लड़ाई हमें पसंद नहीं है, पर हमें एक नया घर ढूंढना है। होली बीस्ट ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है। होली बीस्ट कहाँ है वो? तुम पर हमला हुआ है, इसलिए क्या तुम दूसरों का घर छीनोगे? जल्द से जल्द निकलो यहाँ से, वो आज रात को भी आएगा। नोआ, प्लीज मुझे होली बीस्ट के पास ले चलो। खुद को इतना बड़ा भी मत समझो, आज के लिए बस इतना ही काफी है। रात होने से पहले सब तैयारी करनी होगी। हमें जल्द से जल्द मास्टर फॉक्स के पास जाना होगा। होली बीस्ट कोई मजाक नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उनकी मदद करनी। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है, अब कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अंधा भालू सही कह रहा है, यहाँ पर राक्षस है, चलो चले। भालू? अंधा भालू नहीं, तुम खुद को अंधा क्यों नहीं कहते? बकवास करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तो क्या कर लोगे तुम? मेरा भाई, चलते हैं लाला। चलो चले। हमेशा के लिए हम एक हो जाए।
कुछ भी करूं मैं खुश रखने को तुम्हें। आवाज मेरी इतनी सुरीली है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो भूल जा खुशियाँ बढ़ा हाथ थाम लो एक दूजे का। खुश हो जाओ गम भूल जाओ हमेशा के लिए। दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटी जाए। दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटी जाए। बीते दिनों की शांति चली गई युद्ध ने दुनिया हमारी तबाह की। हम लड़ेंगे एक साथ मिलके डर से उजिया ना होगा हमारे भी डर। चलो बचाओ अपने घर को दिलों में प्यार जगाए। प्यार को ही हथियार बनाए छुपने में अब क्या है भला। जब रात हुई तो संवेदना भी साथ है। वुडीज हमारे ही कबीले का हिस्सा है। वुडीज योगो मैं इनसे बात करता हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये मेरी बहन है मैं नोआ हूँ। तुम्हारे नाम कितने अच्छे हैं। लैन नोआ हम पर वुडीज ने अटैक क्यों किया था? क्योंकि तुम लोग हमारे इलाके में घुस आए थे। वो कितनी सुंदर थी। ये आवाज कैसी है? भागो भागो होली बीस्ट आ रहा है। जल्दी से छुप जाओ और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। बाकी के लोग मेरे साथ चलो। ये क्या है? ये क्या है? वो वहां है मार डालो उसे। तबाह कर देगा।
मत करना। उसे चोट मत पहुंचाना। लाला। युगो, तुम वहां पर मत जाओ। लाला। बचाओ। युगो। चलो। मेरी बेटी मुझे वापस दो। छोड़ दो हमें। लाला। पहाड़ों पे चलते हैं। युगो, मुझे मेरी बेटी वापस दो। मेरी बेटी। डरते हैं आग। हाँ, मुझे मास्टर फॉक्स ने सिखाई तो थी, मैं याद करता हूँ। आग। लाला सॉरी, मैं भूल गया। हम तुम्हारी
मदद करना चाहते हैं। प्लीज हम पर भरोसा रखो, ज्यादा हिलो मत प्लीज। जादू चल गया। आ! लाला मत करो, तुम खुद को चोट पहुंचा सकते हो। डरना मत, पापा आ रहे हैं। मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी को बचाना। तुम्हें क्या लगता है हम उसे बचाना नहीं चाहते हैं? हम होली बीच से नहीं लड़ सकते, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होगी। हमारे पास वक्त नहीं है, वो उन दोनों को खा जाएगा। युगो और लाला दोनों बहुत ही बहादुर हैं। वो खुद की रक्षा कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। और मुझे नहीं लगता ये हमें चोट पहुंचाना चाहता है। आ जाओ। जाओ डरपोक, आके मुझे पकड़ो। हाँ,
कमाल है, ऐसे जमीन अचानक कैसे फट गई? क्या हुआ? योगो तुम कितनी होशियार हो। मेरे डैड ने मुझे सिखाया था, जब मुझे क्रैम्स आते थे वो मुझे यही करते थे। अब मैं भालू चाचा की मदद कर सकूंगा, उन्हें हमेशा क्रैम्स आते हैं। योगो क्या तुम्हें भी क्रैम्प आ रहा है? मैं मदद करता हूँ। लाला को बचाना है तो हमें इस राक्षस से निपटो। शेर सिंह अभी भी अंदर ही है।
बचाओ बचाओ बालू चाचा लाला, ये क्या चीज है? ये होली बीस्ट का बच्चा है। वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहता था। मतलब जिसने लड़ाई शुरू की वो हम है। लगता है अब यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। युगो, क्या तुम ठीक हो? लाला, मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। हम हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे ना युगो? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा के लिए। Thank you.
शुक्रिया, वहाँ दो लोग और हैं। शेर सिंह, मैं तुम्हें अचानक से पसंद करने लगा हूँ। अच्छे चीफ हो। वो मेरी बहन ने आज तक किसी की तारीफ नहीं की। चुप रहो नोआ। थैंक यू लैन। भालू चाचा, आप ठीक तो है ना? मेरे पैर को कुछ हो गया है। तुम लोग पहले जाओ, मैं बात करता हूँ। मैं चल नहीं सकता। भालू चाचा, उसे लैन का होने वाला पति बनने से मत रोको। क्या? चलो चलते हैं। मास्टर फॉक्स, पर मुझे तो उड़ना नहीं आता। अब तो तुम्हें आना ही चाहिए। कितना अच्छा लड़का है। मास्टर फॉक्स, मैं आ रहा हूँ। लाला, ध्यान से।
स्वीट और स्वीट। बहुत दर्द है मेरा पैर। अरे बाप रे, मतलब नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, कोई बचाओ मुझे। क्या कहते हो, एक और रेस हो जाए? रेस? मैं और नहीं भाग सकता। नहीं, मैं हार मानता हूँ। हाँ?